हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो एज वी ऑल नो दैट वी आर पासिंग थ्रू वन ऑफ द सीवियरेस्ट हेल्थ क्राइसिस ऑफ द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जो मानव इतिहास है उसमें एक जो सबसे मुश्किल जो हेल्थ इमरजेंसी है, वी आर विटनेसिंग दैट राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ COVID-19 डिजीज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में आतंक मचा हुआ है और हम लोग जो है उससे बचने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार कोशिश कर रही है और जो भी पूरा प्रशासन है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है। सो द रिसेंट डेवलपमेंट इज दैट द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 वीक्स, यानी कि जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि हम जो इंसान होता है उसकी फितरत होती है कि जो भी उसके सामने चैलेंज होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना उसकी एक फितरत होती है। तो उसी के तहत बिकॉज COVID-19 जो है वो हमारे सामने एक चैलेंज है, सो क्यों ना उस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करके और जो अपना नॉलेज है उसको इम्प्रूव करें, और साथ ही साथ जो एस्पिरेंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनका जो बिकॉज उनके स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह सब बंद है, सो दीज वीडियोज विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज कॉम्पिटिंग द एग्जाम्स। ओके, सो दिस इज ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस एंड इन द फर्स्ट टू वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान एंड देन इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ राजस्थान, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, झीलें यानी लेक्स। तो दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, इसलिए आई होप दैट आप लोग जो है वो इसको एंड तक देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल वीडियो। एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू मार्क ऑल द इम्पोर्टेंट लेक्स इन द मैप, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो जो झील है उनको दो तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला जो है वो खारे पानी की झीलें और दूसरा जो है वो मीठे पानी की झीलें। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि एक नमक बनाने का जो प्लांट है वो आपको दिख रहा है, तो ये जो है वो है हमारी सबसे बड़ी नमक बनाने की झील सांभर झील, जो देश का भी जो है वो काफी मेजर चंक ऑफ नमक जो है वो यहीं से बनता है। तो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थली क्षेत्र है या जो अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र है उनमें जो है वो अनेक खारे पानी की झीलें हैं। इनमें सांभर जो जयपुर जिले में है, डीडवाना नागौर में है, पचपदरा जो है वो बाड़मेर में, और लूणकरणसर जो है वो बीकानेर में है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इनको मैप में भी इंडिकेट करते हैं। तो जो सांभर झील है वो है जयपुर जिले में, जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में। ओके, और ये जो सिर्फ है वो ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि भारत की भी जो है वो प्रमुख खारे पानी की झील है। उसके साथ साथ जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। तो हमें क्षेत्रफल वगैरह याद रखना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से जिले में है, बिकॉज एग्जाम में जो है वो मैच मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। ओके, करेक्ट मैचिंग वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। सेकेंड जो है वो है डीडवाना झील। तो जैसा कि हाँ हम सब जानते हैं वो नागौर जिले में है, डीडवाना जो शहर है उसके पास में, और ये भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट खारे पानी की झील है, यहाँ से भी जो है वो सोडियम लवण तैयार होता है। ओके, उसके बाद में जो पचपदरा झील है वो बाड़मेर में है और ये भी एक इम्पोर्टेंट खारे पानी की झील है। उसके साथ साथ जो लूणकरणसर है वो बीकानेर में है। उसके अलावा जो है थोड़ी और जो छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट जो पानी खारे पानी की जो झीलें हैं उसमें फलोदी, कुचामन, कावोद, कछोर और रेवासा का नाम जो है वो बुक में मेंशनड है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको हम मैप में इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले सांभर जो है वो जयपुर में है। तो अगर लाइक राजस्थान का मैप दिया हुआ है हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है उसके अलावा, तो हम कोशिश करेंगे कि जो ये वाला जो फ्लैट वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा इसके लगभग बीचों बीच से एक लाइन खींचने की ऐसे सीधी, और उसके बाद में जो ये वाली जो टिप है, ओके एक्सट्रीम वाली जो टिप है उससे एक सीधी लाइन खींचने की हम कोशिश करते हैं जो लगभग हम यहाँ पे सही मार्क कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ राजस्थान का ब्लैंक मैप देकर सांभर झील, तो इस तरीके से हम दो सीधी लाइनें खींचेंगे और यहाँ जो इसका क्रॉस आएगा वहां पे सांभर मार्क कर देंगे। ओके, अगला जो है वो है डीडवाना। तो अगर हमने एक बार जयपुर या जो सांभर झील है वो निकाल लिया तो फिर हम इसके जो पश्चिम उत्तर पश्चिम है वहां पे हम नागौर जो जिला है उसमें डीडवाना मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में जो है वो पचपदरा, तो ये तो काफी इजी हो जाएगा बिकॉज हम जानते हैं कि जो ये वाला जो एरिया है वो बाड़मेर है और बाड़मेर में जो है हम बीच में पचपदरा मार्क कर सकते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि पचपदरा जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके अलावा
भारत की या राजस्थान की इकोनॉमी में, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद में जो है वो लूणकरण सर, तो ये बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, और बीकानेर जो है वो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे जो है वो लूणकरण सर झील है। ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू मार्क ऑल दीज इम्पोर्टेंट लेक्स। उसके अलावा फलोदी जो है वो जोधपुर में है, डेगाना और जो कुचामन है वो और नागौर जिले में है, और जो काउद है वो जैसलमेर जिले में है। तो ये होगी हमारी राजस्थान की खारे पानी की झीलें। अब हम चलते हैं मीठे पानी की झीलों की तरफ। सो राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है उसका नाम है जयसमंद। तो सन 1685 से 1691 के बीच में महाराणा जय सिंह ने इसका गोमती नदी पर बांध बनवाकर जो है वो इसका निर्माण करवाया था, और ये उदयपुर से लगभग 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। और जो इसका दूसरा नाम है वो है ढेबर झील। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, या फिर जो है वो जयसमंद झील नाम दे ना देके ढेबर झील का ही दे दिया जाता है डायरेक्ट, कि ढेबर झील जो है वो कौन से जिले में, तो आपको पता होना चाहिए वो उदयपुर में है, और ये जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। उसके बाद में सेकंड जो है वो राजसमंद झील, तो ये भी जो है वो महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और राजसमंद जिले में है, तो जैसा इसका नाम है वैसे ही उसी जिले में है। और इसके जो किनारे हैं उसके किनारे पर घाट और नौ चौकी बनी हुई है, जहाँ पर जो है संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में दर्ज है। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट राजसमंद झील, आई होप यू विल रिमेम्बर इट। उसके बाद में है पिछोला झील, ये भी उदयपुर में है और पर्यटन की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। इसके जो दो आइलैंड्स हैं यानी कि जो दो टापू हैं उस पे जग मंदिर और जग निवास बने हुए हैं, जहाँ पे जो है वो बहुत दूर दूर से सैलानी आते हैं, और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी होते हैं। उसके बाद में उदयपुर में है फतेह सागर झील, तो ये उदयपुर से सटी हुई है और पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में है, जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। तो बिकॉज आप जानते हैं उदयपुर जो है वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, और उसी की वजह से हम उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स या झीलों की नगरी भी कहते हैं। उसके बाद जो अजमेर में झील है वो है आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्नो जी ने करवाया था, और जो इसके तट है वहाँ पे जो है सुंदर संगमरमर की छतरियां बनी हुई है, जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है या फेमस है। ओके, सो आना सागर झील जो है वो अजमेर में है, आप याद रख लेना। उसके बाद जो है वो पुष्कर झील, वो भी अजमेर में है, लगभग 11 किलोमीटर दूर पर्वतों से जो है वो घिरी हुई है चारों तरफ से, और धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है वो पुष्कर में ही है, और यहाँ पे जो है हर वर्ष मेला भी लगता है। उसके बाद जो है वो है सिलीसेड झील, वो है अलवर में। तो बाकी सब तो हम जानते हैं मोस्टली उदयपुर में, या राजसमंद, जैसे राजसमंद झील उसका नाम है, और बाकी जो है अजमेर वाली झीलों के भी नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है या इजी है, लेकिन जो सिलीसेड झील है उसका जनरली हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होता है। तो ये अलवर में है, लगभग 12 किलोमीटर अरावली की पहाड़ियों के बीच में। उसके अलावा जो बुक में मेंशनड है वो है नवलखा झील, कोलायत झील वो बीकानेर में है, शिव सागर डूंगरपुर, गलता एवं रामगढ़ जयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, कैलाना झील जोधपुर, भरतपुर का बैराट बांध और धौलपुर का तालाब शाही। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनको मैप में मार्क कर लेते हैं। तो मोस्टली जो है वो साउथ राजस्थान के उदयपुर वगैरह वाला जो एरिया है उसी में है। तो राजसमंद जिले में राजसमंद झील हो गई, उदयपुर में जो है वो चार झीलें हैं, पिछोला झील, जयसमंद, उदय सागर और फतेह सागर। तो उदयपुर की जो चार झीलें हैं इम्पोर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं अजमेर की तरफ, तो अजमेर में हमने देखा था पुष्कर है और आना सागर झील है, और उसके अलावा जो है नक्की झील जो है वो सिरोही जिले में है, जोधपुर में जो है वो बालसमंद और कायलाना झील है, बीकानेर में कोलायत है, और जो अलवर है उसमें सिलीसेड झील है। तो ये सारी जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं, जिनके नाम भी पता होने चाहिए और उनकी लोकेशन भी हमें मैप में भी पता होना चाहिए और उनका डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू पीपल। आप लोगों में ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ जो है आपको एग्जाम में भी हेल्प करने वाला है। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ask your other friends to subscribe to the channel so that we can very soon reach to a very high level of subscribers. So that I have already told you so many times that sharing is caring. अगर आप share करेंगे अपने friends के साथ तो ही आप उनकी care करेंगे, और जो है knowledge एक ऐसी चीज है जिसको जितना ज्यादा share करते हैं वो उतना ज्यादा बढ़ता है। तो I am doing my best efforts. I am trying to find time out of my training and I hope that you people will also share it with your other friends. Thank you. Have a nice day.